देखता फिर रहा हूँ। चलो बेटा आओ, चलो आओ आओ। अच्छा दयाल जी, तुम्हारा दिमाग भी कुछ खराब? क्यों, जरा देखो तो, इस धूल भरे बिछौने पर मैं बैठ कर जाऊँ? फिर हैजा, ताऊन, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, देखो कैसी बातें करता है। बिछौना किस तरह बिछाते हैं ये तक नहीं जानता, देखो तो। अरे ये क्या दिल लगी है, अरे ये क्या मजाक है, अरे गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, अरे क्या दिल लगी है, अरे ये क्या मजाक है। ए भैया, ये सामान तो सब अस्पताल जाएगा ना? हाँ भाई। बादल सब ले चल, शिव कुमार चलो। डॉक्टर
आपकी हैजा क्या बहुत है? अरे भाई अभी तक तो कोई बुरी बात मालूम नहीं हुई, रुई से रोकथाम कर ली गई है ना। बाजा कहाँ बज रहा है? गुलाई चंडी के मंदिर में। गुलाई चंडी? हाँ, जिसे ये लोग हैजे की देवी बना बैठे हैं। बाप रे, इससे ये लोग हैजा और भी फैलाएंगे। जी हाँ, ऊँचे के पर्दे में पिछले साल की तरह इस मरतबा भी ये लोग हैजा घर घर पहुँचा देंगे। डॉक्टर डॉक्टर, तुम रोगियों को देखो और हम इन भ्रम के रोगियों की खबर लेंगे। शिवकुमार गाँव तो इस दफा गाँव में हैजा हर किस फैलने नहीं होगा। मुझे ला दी बाबा की है जिसे अब जान जा रही है। अरे अरे अरे, घूमत बैठियो कहीं हटा मत आपको। उम्रदारी सास को देखो कैसी चौकी मोटी भैंस, इतने मर्दों को नाच दिखाने आई क्या? बाबा दे क्षमा करो पार पड़ी शिरोमणि काका, एक तो फूल जरा सा चन्ना भी पाते ही बाबा बच जाएंगे। क्षमा करो पार प्रसाद मुर्दार को मार, देखा देखा छू ही लिया पतित मुर्दार। बाबा दे माहौल चंदी बाजी चुड़ैल बदकार, तू बुराई मना रही है? तब तो छो नहीं अमरनाथ, मारो इसे, मनहूस को मार ही डालो, हिम्मत देखो। देखा समाज में हुक्का पानी बंद है, सांस से निकाल दिया है, तब भी कंपा गांव में मर रही है। बस चलो अमरनाथ, एक बात तो पूजा दे दो। शुक्रवार देनी काका को काजा हुआ है, अस्पताल तक पहुंचाओ। ब्राह्मण को अस्पताल कैसा 72,000 के साथ? बहुत करीब देनी काका ब्राह्मण, मैं तो जानता था समाज से पतित हैं, निकाले हुए। आओ हरी देखते क्या हो, ये सब आजकल के छोकरे हैं। एक बार चलो तो जरा देखे राय महाशय कोई उपाय करते हैं या नहीं। ब्राह्मण को ले जावे अस्पताल में। चलो। अमरनाथ आओ, मैं इन हाथों से तुम्हारी पूजा चढ़ा देता हूँ। क्या पेट हल्का कर लिया? दयाल जी बूढ़े आदमी, पालकी के झटके और उस पर ये हाथ पांव बहुत दुख रहे होंगे। जरा ठहरो, लाओ हाथ पांव दबा दूं। रहने दे, जरा टिंचराइजिंग लगा दूं। इतनी खैर ख्वाही जताना नहीं होगी, सब जानता हूँ। चल ना जरा बाबू के पास चल, शिरोमणि ब्राह्मण। अच्छा वहीं रहे, दुनिया की सारी जातों में खेलकर और हुहा करके हुहार तुम बाप के पास पहुंचे हैं। जी गांव में कलरा हो गया है ना, तब भी देर ना होती, लेकिन बेनी काका को अस्पताल पहुंचाने में समाज से अलग सही, फिर भी बेनी है तो ब्राह्मण संतान, बीमार होने पर भी उसे 36 जातों में ले जाना किसी तरह भी ठीक नहीं हुआ। खामखा थोड़ी शिरोमणि ठाकुर तेरी शिकायत करते हैं। अच्छा तुम्हारे इम्तिहान का क्या हुआ? उम्मीद तो है कि पास हो जाऊंगा। मुर्दे शुर्दे तो अब काटने नहीं पड़ेंगे। नहीं पिताजी, चाराही क्या है, डॉक्टरी में ये काट छांट तो क्या, सभी कुछ करना पड़ता है, और हमारे शिरोमणि ठाकुर तो मौजूद ही हैं, राशिद की वो कोई ना कोई तरकीब निकाल ही देंगे। क्या कहना है मेरे शेर, दोष भी करेंगे और प्रायश्चित भी करेंगे, मगर अपने बुरी हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। दा धर्म नहीं मानेगा तो फिर जा गोबर खा। गोबर? अच्छा जाओ अब नहा धोके खाना खा लो। ऐसे दे चलो बेटा चलो, पहले तुम्हें गोबर खिलाकर शुद्ध कर लूं। चलो अरे मर जाऊंगा चलो मर जाऊंगा।
चलो।
चले पवन की जान, चले पवन की जान, जग में चले पवन के जान। अमर भैया, अमर भैया, बेनी काका की हालत ज्यादा खराब हो गई है। क्या हुआ? होगा क्या? एशिया की कॉलेरा, उसका इलाज ही क्या? अच्छा चलो तो देखें। अरे से ज्यादा तो बेनी काका को अपने लड़की की फिक्र है कि उनके बाद उस बिचारी का क्या होगा। रह रहे हैं चीखने लगते हैं कि जैसे कुछ लोग उनकी लड़की को खींचे लिए जा रहे हैं। बेनी काका तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के मेहमान हैं। सच तो यह है अमर भैया कि अगर बस चले तो ये पागी बदमाश न जाने माया की क्या गत करें। कितना जुल्म, सिर्फ 30 रुपया तिलक में कम होने पर लड़के का बाप लड़के को शादी की जुए से उठाकर बरात वापस ले गया। कुछ बच्चे जाइए कि इन बाजी समाजियों ने बेनी काका और उसकी लड़की माया को रात से निकाल दिया, अब शादी भी नहीं होने देते। इस जुल्म के खिलाफ हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। और धन्य है इन ब्राह्मण नौजवानों को, इनमें से किसी को भी यह नसीब न हुआ कि उस वक्त शादी के पीड़ पर बैठ कर इन लोगों को मुसीबत से बचा लेता। बदमाश शिरोमणि ठाकुर के हाथों से माया की धर्म रक्षा करने में बेनी काका ने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। माया को अगर शादी बगैर और पतित करके ये लोग रख सके तब वो खिड़की में से मेरी लाठी, मेरी लाठी। बाबा कोई तो नहीं है? बाबा कोई नहीं। बाबा रह गए न जाने क्या क्या बक रही है, जबान चक्कर कर सकी। माया बेटी। बाबा बेनी काका आप निश्चिंत रहें, मेरे होते माया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान तेरा भला करे। माया बेटी वही मार मार लिए जाता है, लिए जाता है। शिरोमणि वो भागता है, मेरी लाठी, मेरी लाठी। बाबा बाबा जल 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 माया माया नारायण नारायण माया। बेनी काका
मेरी आप इच्छा है। बाबा बेनी काका। कौन? बेनी? वो तो जी हाँ, लेकिन बेनी काका मरने से पहले अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में। अमरनाथ, मरने वाले की आखिरी तमन्ना से इनकार न कर सका बाबा। जरा ही देर पहले शिरोमणि की बात को भरोसा न करके खमंग के साथ ये कहा था कि राजा श्रेष्ठनाथ राय चौधरी के संतान अपने खानदान की इज्जत को अच्छी तरह समझती है, वो अपने पिता को इतना कठोर दुख नहीं दे सकते। आपके दिल को इतना कठोर दुख होगा ये मैं जानता था बाबा, लेकिन क्या करूं, उपाय न। अमरनाथ, तुम ना समझ हो, सिर्फ मुझे को नहीं, तुम्हारे माता पिता तमाम घराने पूरे कुंडे की आत्माएं ताप रही होंगी बाबा। आओ मेरे साथ आओ, तुम इनके में सबसे हो, पूरी ब्राह्मण जो ब्राह्मण में सबसे बड़ा, वो तक स्वयं में इज्जत में हर बात में एक से बड़ा हुआ था, स्वयं ब्राह्मण होने पर भी कम दर्जे का ब्राह्मण था, और फिर वो लड़की के ब्याह के समाज से निकाला हुआ था, उसकी लड़की तुम्हारे ब्याह के लायक नहीं। उसके ब्याह के पीढ़े पर से तो वर उठ गया था बाबा, उसका ब्याह तो हुआ नहीं। हिंदू शास्त्रों से ये अदबिया हिद्या है, हिंदुओं में ऐसी लड़की का फिर ब्याह नहीं हो सकता, ऐसी अदबिया ही स्वामी की चुपराई हुई लड़की के साथ तुम्हारी शादी ना हुई ना हो सकती है बेटा। बेनी काका के सामने मैंने उसे अपनी स्त्री मान लिया है। धर्म समाज अपने पराए कोई भी उसे तुम्हारी स्त्री नहीं मान सकता। उसकी जिंदगी बसर करने का मैं बंदोबस्त कर देता हूं, उसे किसी आश्रम में भेज दो। मेरा फर्ज मुझे रोकता है बाबा। बेटा बेटा, यही राजा श्रेष्ठनाथ राय चौधरी है, रायधाम गांव के बसाने वाले, तो बिल्कुल इन्हीं की सूरत है। आज क्या तो इनकी नकल का नाम निशान तक मिटा देना चाहता है, क्या इनका तमाम किया धरा मिट्टी में मिला देना चाहता है। मैं वादा कर चुका हूँ बाबा, मैं मजबूर हूँ। अपने पुरखों की बद्दुआएं न लो बेटा। बेटा बेटा, तुम अपने माता पिता और अपने पुरखों बुजुर्गों की आत्माओं को स्वर्ग में जन्म लेने दो। मुझे अपने खानदान की इज्जत और नाम को ऊंचा रखने के लिए कठोर कर्तव्य पर मजदूर न करो। इस घराने के नाम के कारण मैं उस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बना सकता। इस बुलाते में मुझे मजबूर न करो कि मैं उसके साथ तुम्हें भी छोड़ दूं। यह धर्म इन सबसे तुम अलग कर दिए जाओगे। इतनी बड़ी राज कराने के नाम इस प्रश्न शांति दारी राजमहल इनमें से किसी एक का भी तुम कहा न रहेगा। बेटा बेटा, मुझे ये सब कुछ मंजूर है बाबा। आज से मैं जब तक जिंदा रहूंगा रायधाम गांव के राय घराने की संतान अपने को न बताऊंगा। इस घराने की किसी चीज पर भी मैं कभी अपना हक न जताऊंगा। आशीर्वाद दीजिए बाबा, सच्चे कर्तव्य के कठोर दुख के सहने की शक्ति मुझमें भी आती की इतनी हो जाए। माया सुनो, तुम किस सोच रहे हो?
ये समझती हो कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, मेरा कुछ नुकसान नहीं। और तुमको हर वक्त इस तरह की सोच फिक्र में देखकर एक बात का तो पता चल गया, यही कि अमरनाथ की स्त्री माया देवी अमरनाथ से बहुत मोहब्बत करती हैं। वो देखो एक ट्रेन आ रही है। मैं आपको किसी तरह भी माफ नहीं कर सकती। मेरे लिए तुमको कितनी मुसीबतें उठाना पड़ी, अपना इस मोहब्बत से बनाया हुआ अस्पताल भी छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि गरीब दुखों की सेवा जिसे तुम जिंदगी का सबसे जरूरी और बड़ा काम समझती थी उसे भी छोड़ना पड़ा। उसे तो नहीं छोड़ा, वो नहीं छूट सकता। तो क्या तुम वहां लौट जाओगे? नहीं। तो फिर बताता हूं, पहले इसे खा लो। खाओ खाओ, नहीं तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हां आप सुनो, ये जमीन मेरे दोस्त अक्षय बाबू की है, उन्हें मैंने चिट्ठी लिखी है, अगर उन्होंने मंजूर कर लिया तो यहीं एक अस्पताल बनाएंगे और ये छोटी सी दुनिया यानी हम और तुम इस देहात के तमाम गरीब दुखियों की सेवा करना शुरू कर देंगे। और क्या? और कहेंगे देवी यही बदरिया सारी तो तेरे यार दार है रथ से भरी पिचकारी गेंद लाज का उलट कार है कोई सुंदर नारी आशिदा मिल नम का देवी यही बदरिया कारी सब तक मेरा सकी तंजियारी सब तक मेरा सकी तारे नयन की ज्योति जुगनो जुगनो बन के चमक रही है छुपे हुए प्यारी आशिदा मिल नम का देवी यही बदरिया कारी सब तक मेरा सकी। हाँ हाँ उनसे भी कहीं ज्यादा, वो सब क्या ले आ रहे हैं? आओ आओ आओ, चलो संभाल के
अरे रसाई के संभाल के कहा उस तरफ चले जाओ उसको वहां वहां। तो फिर माया और बताओ। मैं क्या बताऊं? तुम ही बताओ। मैं ही बताऊं? अच्छा सुनो। आई जगत मुझियारी, आई जगत मुझियारी, तलक थी जिसकी अभियारी में, यही थी वो मुझियारी। देखो भाई जगत मुझियारी, बन गई काजल जागी आँख का, सिमट के रहन बियारी। जगत बुझियारी मैं न जलती तो कथक को हरी हुई मो प्यारी, मैं न जलती को हरी हुई वो प्यारी। बिगड़ बनाने वाले तूने रख लीला हमारी, देखो भाई जगत बुझियारी, बन गए काजल जागी आँख का, सिमट कर न दियारी। भाई जगत बुझियारी, जगत बुझियारी। बल्ली मंगल सेवा सदन सुंदर लगा चंबेली का से। हाँ जैसे ये सब तुमको बाप बोलते हैं। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू लाओ। क्या रे? तुम बोले थे अच्छे वालों तो पाओगे। किसने बताया कि तू अच्छा हो गया? तुझे तो छुट्टी नहीं है? हाँ हमें छुट्टी है, माँ से पूछो तो है। माँ? हाँ। माया यही है तुम्हारी सच्ची असली जीत? नहीं, सबसे असली आनंद। हाँ माँ बनने का आनंद, माँ की तरह सेवा करके तमाम बीमार बच्चों को मरने से बचा लेने का आनंद। अच्छा बोलो तो ये गूस या पैसेंजर? पैसेंजर। अच्छा आप याद आओ आप। अरे इसके बाद भारी खुशखबरी। क्या? अक्षय बाबू इस जगह दो दो ट्यूबवेल लगवाए देते हैं। बड़ी से अच्छी खबर। ओ महारानी के लिए जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं। मैं इससे भी अच्छी खबर सुना सकती हूँ। कौन सी जी? समझू अच्छा ठहरो बताता हूँ। देखो तुम्हारी उस प्यारी बिल्ली ने आज दो चार चूहे पकड़ लिए होंगे। नहीं समझे। ये भी नहीं? तो फिर वो बुढ़िया धात्री शिबू की माँ तुम्हारे सामने हमारे गुण के गाने गाई होगी। ओह बड़े तो गुण वाले, मगर शिबू की माँ आई जरूर थी। अच्छा तो हार गए हम, मगर तुम तो हमेशा जीता करते थे। अरे ठहरो ठहरो, खुशखबरी हम समझ गए। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं।
क्या हुआ? बात करते करते इतना उदास क्यों हो गए? पिताजी याद आ गए। माया, मैं बड़ी हसरत थी कि मेरा घर बसे, बहू आए और वो अपने पोता को अपने सीने से लगाए। वो बार बार दयाल से कहा करते थे कि दयाल, घर सोना मालूम होता है, वो घर ही क्या जिसमें बच्चा न हो। चीख पुकार, हंसना रोना, दौड़ धूप तोड़ फोड़, यही सब तो घर की शोभा है। माया, हो सकता है कि पिताजी को जिसकी हसरत थी वही पोता ही हो, लेकिन उन्हीं को देखना नसीब नहीं। इतने नजदीक होने पर भी हमसे कितने दूर हैं। टूटेगा नहीं, शायद हम खैराती दवा खाना टूटा जा रहा है और यहाँ बुढ़े बाप का कलेजा नहीं पड़ रहा है। आपका आशाए और तुम्हें तमन्नाएं मिट्टी में नहीं मिल गई। जा रुक कर, रुक कर, कभी उसका नाम मेरे सामने मत लेना। तो फिर छोटे बाबू ने जिसे इतनी मेहनत से बनाया था, आज उनके ना होने पर वही दवाखाना टूट जाए। हाँ हाँ, जाने दे, उनसे कह दे चल जाए, पैसा भी मैं नहीं दूंगा। बड़े बाबू, वो मुझे भूल गया। मैं जानता हूं क्या, वो मुझे बिल्कुल भूल गया। हाँ बहन, तुम जाओ, मैं हूँ, तभी तो है नंतू की माँ है, सब अच्छी तरह समझ लिया है ना? हाँ बहन। ये सब क्या, यहाँ नौकर है? नहीं, ये तो रोगी के साथ आई हूँ, लेकिन ये लोग बारी बारी सभी की सेवा करती हैं, ताकि सब लोग की सेवा करना सीखे। वो कहते हैं इसी तरह घर घर सेविका तैयार करना होगी, जिससे छोटे छोटे रोगी अस्पताल तक ना आए। जी जी, तुम्हारे स्वामी जीत रहे हैं। हाँ, सिर्फ शतरंज में। संभालो डॉक्टर, अब संभालो, ये छोटा सा पैदल तुम्हारे जंगी वजीर को मारे दे रहा है। बचाओ अपने वजीर को, बचाओ। ओ, अरे जी सुनती हो, गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। मालूम कहाँ है, क्या कर रही है, बचाओ अपने वजीर को, बचाओ बचाओ। ओ, ओ, तुम यही हो, खेल देख रही हो, बड़े मजेदार खेल, देखो देखो। गोकुल, ओ गोकुल उठ, आवाज शतरंज। हाँ, जो डॉक्टर क्या सोच रहे हो? ये तुम्हारी पल्ली सेवा नहीं है, ये शतरंज है, शतरंज। अक्षय बाबू, इतना कुछ दान किया लेकिन अस्पताल को एक नजर देखा तक नहीं। समझ गया, चाल समझ में नहीं आई होगी। लो डॉक्टर, मैं दिखाई देता हूँ। डॉक्टर, जीवन भी शतरंज का एक खेल है, एक चाल भी चूके तो समझ लो किस मार। अरे ओ ओ गोकुल, जल्दी कर, गाड़ी टूट जाएगी। अरे जी जिसे कर, अरे आओ आओ आओ, अरे ओ गोकुल जल्दी आ। अक्षय बाबू, आप गांव में भी कभी कभी आ जाया कीजिए। गांव में आऊँ? गांव में कहाँ जाऊँ, गांव क्यों आऊँ? अच्छी पढ़े लिखे भले आदमी के गांव आते हैं। अच्छा अक्षय बाबू, आपको गांव कभी नहीं याद आता? गांव याद नहीं आता, जरूर याद आता, बराबर याद आता। कौन कहता याद नहीं आता? मैं तो अपने कॉलेज के लड़कों से बराबर यही कहा करता हूँ। Go back to the villages, जाओ वापस जाओ। और तुम्हारे काम के बारे में वो सब जानते हैं। और आपने जो मदद की है उसके बारे में? मदद पड़ी तो ये 1.5 से 4 जमीन। अच्छा तुम क्या कर रही हो, तो तुम तो मेरा पेड़ा डुबाओगी। चको सिकर हो गया, अजी जल्दी करो। ओ कुकुल भाभी, हमें तो भूलना जाना, झूठा नहीं झूठा नहीं, जीती रहो जीती रहो, मैं यूँ ही आशीर्वाद दूंगी। क्या तुम्हारे लड़का हो?
लड़का। सर्दी ज्यादा है ना? हाँ सुना। कहो। भाभी ने कहा है। क्या कहा है? लड़का हूँ। कहो। जानते हो लड़का बड़ा होकर लिखना पढ़ना सीखकर हमसे क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? पूछेगा कि आदमी मरता क्यों है। उसके बाद जब वो बार बार यही देखेगा कि हम लोगों को जितना कुछ करना चाहिए उतना नहीं कर सकते, तब वो डॉक्टर ही पड़ेगा। इलाज से पास करके बहुत बड़ा डॉक्टर होगा। उस वक्त तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया अपने लड़के के हाथ से दवा लेकर करीब दुखों को देंगे। सब कहेंगे कि इतनी अच्छी दवा किसकी। हम कहेंगे कि हमारे लड़के की। तुम बड़ी चोर हो। मेरे दिल की बात चुरा कर अपनी बताकर बयान कर रही हो। और उसके बाद क्या होगा जानती हो? क्या? उसके बाद हम लोगों का ये लड़का हमारे इस सेवा सदन को देखेगा, गरीब देहातियों की देखभाल करेगा, हम लोगों की भूल चूक सुधार देगा, हम लोगों को सेवा के बहुत से तरीके सिखाएगा और हम उस सीखे हुए तरीके पर हिंदुस्तान भर के हर एक गांव, हर एक बस्ती से बीमारियां दूर करते फिरेंगे। और जैसे हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी बुढ़िया माँ को कुछ करने ही नहीं देगा। अच्छा, उस वक्त तो बड़ा हो चुका होगा, फिर भी दौड़ता हुआ आकर मेरे गले में बाहें डालकर कहेगा, माँ और मैं। माया, 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 चलो उधर चलो। प्रहलाद, प्रहलाद, शिबू की माँ को तो बुला। तुम जरा से मैं घबरा जाते हो। तुम नहीं जानती माया। बाबू, डॉक्टर बाबू, बाबूजी, मेरी स्त्री को बताइए बाबूजी। क्या हुआ है शिदान? सुबह से तड़प रही है, बहुत तकलीफ है, मुझे बच्चा भी चाहिए बाबूजी, मेरी औरत बच्चा। आज मैं कहीं नहीं जा सकता शिदान, तुम दवा ले जाओ। तब वो नहीं बचेगी बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जरा चलकर उसे देख लीजिए। आज मैं किसी तरह भी नहीं जा सकता शिदान। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। ये कैसे हो सकता है माया? जरूर हो सकता है, तुम जाओ। लेकिन यहाँ शिवू की माँ है, मुझे भी सब सिखा चुके हो, अगर कोई ऐसी ही बात होगी तो कहला भेजूंगी। तुम नहीं समझती हो माया, मेरी बात मानो। डॉक्टर होकर अगर किसी तरफते हुए को न देखो तो भगवान को बुरा लगेगा। तुम जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, जल लाने जाती। मासी, लकड़ी। तुम्हारा लड़का, तुम्हारी बीवी अच्छी है, और मेरा बच्चा बचेगा? रे बचेगा, जरा गरम जल दे तो। उधर जरा गरम जल। जिंदा है बाबू? बचेगा? अरे हाँ, बच जाएगा। श्रीनाथ,
हमारे मकान से कोई खबर आई थी? नहीं तो। गरम जल। श्रीनाथ, हमारे मकान से कोई खबर आएगी हमें बुला लेना। जी अच्छा। हमारा दबा का बेगला। बाबू के घर से और कहां से? ओ आओ बाबू। बाबूजी, डॉक्टर बाबू। बाबू, बाबूजी, डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, बाबू मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद आया है डॉक्टर बाबू। बाबू, बाबू, बाबूजी, बाबू। शट अप। बाबू मैं हूँ प्रहलाद, आपको बुलाने आया हूँ डॉक्टर बाबू। बाबू, बाबूजी, बाबू माँ का बुरा हाल है बाबू। हेलो, ना वो घर भी बंद है। अरे बुला दे डॉक्टर बाबू को, बुला दे। नहीं बुला। बाबू, बाबू मैं हूँ प्रहलाद बाबू। बाबूजी, बाबूजी, बाबू। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या? बाबू से लड़का हुआ है, बहुत अच्छा। तुम्हारा लड़का बच गया सुना, अब कोई डर नहीं। बाबू लड़का हुआ है, बहुत सुंदर। जितना कुछ करना चाहिए उतना नहीं करते, तब वो डॉक्टर ही पड़ेगा। जिला के पास करके बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, उस वक्त तो हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया अपने लड़के के हाथ से दवा लेकर गरीब दुखियों को देंगे। बाद अब तुम मिले हो, अब क्या मैं खाली हाथ लौट जाऊं? हाँ नहीं, हम नहीं जाएंगे। पूरा राजमहल सुनसान पड़ा है, बाप बेचारा पागलों की तरह इधर उधर रोता फिरता है। बेटा, बेटा मेरी बात मान, लौट चल, बूढ़े बाप को इस तरह ना तड़पा बेटा। हमारे वापस जाने की तमाम राहें बंद हैं दयाल जी। उफ, राक्षस, राक्षस
माता जी को खा गया, बुढ़े बाप को रुला रहा है, अपनी स्त्री को खा गया, तब भी ब्याल जी कहूंगा नहीं। ब्याल जी का कलेजा फटते दिखाई नहीं देता, उस सुनसान कोठी में अकेले कोई टिक सकता है? बुरा बाप अगर आज किसी को पाले तो क्या यूं ही ले लेगा? हम जानते हैं। तुम जानते हो? देखो तो डालू तू किस तरह गवारा करता है। दयाल जी हाँ 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 मैं लिए जाता हूँ, देख ले। देखो तू मकान आता है या नहीं, देखो किस तरह तुझे कहना पड़ेगा। दयाल जी मैंने जो पिताजी को वचन दिया है उससे नहीं फिर सकता। बेटा बेटा कहा मान, इसे मुझे दे, इसे मैं पालूंगा, मैं इससे दिल बहलाकर अपने दिन काटूंगा। दयाल जी बेटा एक जरा मेरा भी ख्याल कर, तू जब इतना सा था, तुझे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज मैं किसके सहारे जिंदा रहूं बता सकता है? किस सहारे मैं इस शमशान में पड़ा रहूं? दयाल जी तुम जानते हो उसके लिए उसकी माँ की कितनी आशाएं कितनी आरजुएं थी, हमें तो वह पूरी करना ही होंगी। दयाल जी तुम जानते क्या हो, तुम किस तरह इसे पाल सकोगे? तुम्हें ना रुपया पैसा नसीब था कोई संभालने वाला। बेटा कहा मान, माँ को तो खा चुका, पिता को मरा कर रखा है, तू इसे बचा ना सकेगा। बेटा अपने किसी को बचाने की शक्ति जरूर हमें नहीं है। अगर अगर दयाल जी वायदा करो, माँ के बाद तुमने जैसे मुझे परवरिश किया था इसे भी उसी तरह परवरिश कर सकोगे? लिखना पढ़ना सिखाओगे, डॉक्टरी पढ़ाओगे, विलायत से ये पास होकर लौट आएगा, माया की आशा आरजू सफल हो जाएगी। मैं ये सब कुछ करूंगा बेटा, मैं कसम खाता हूँ, ये इसे सीने से लगाकर कसम खाता हूँ, मैं ये सब कुछ करूंगा। और हाँ बाबा को इसके बारे में मत बताना। बेटा कसम खाना होगी। कसम खाना होगी है? अच्छा मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, ये ले मैं कसम खाता हूँ। ना गया ये सब झगड़ा तू यहाँ इसको लाकर ना भरा। पछड़ाता सड़कों का कूड़ा सड़कों पर फेंका, ये तो मुझसे ना होगा बाबू, इसे मैं जरूर पालूंगा। इसी को पाल पोस कर ये कई दिन किसी तरह कट जाए। बच्चे पालने पोसने की हसरत अभी तेरे दिल से नहीं मिटी दयाल, एक पर तो इतनी जान खपाई थी, क्या हुआ? नहीं नहीं दयाल तू नादानी ना कर, इस मुसीबत को मेरे घर से दूर कर। नहीं बाबू ब्राह्मण के लड़के को मैं सड़क पर नहीं छोड़ा सकता। तो फिर जा आस्तीन में सांप पाल, दो दिन बाद वो भी किसी दिन। ब्रह्मा का लड़का अभी ने तूने कहा जब रास्ते पर पड़ा हुआ मिला? ये देखिए ना बड़े बाबू। सच कहता है, किसी ने पाप आफत अपने सर से टाली है, कुछ सही। तत्म आशा से पूछकर कलकत्ते के किसी आश्रम का आश्रम में भिजवा दे। ब्राह्मण के लड़के को 72 रातों में भेजकर क्या और पाप बटोरू? ये आप क्या कहते हैं बाबू? तू पालेगा जब भी, तो दो दिन बाद उन्हें 72 दांतों में घुले मिलेगा ना। तू ये पापियां तो हटा दे। जी नहीं बाबू हमसे ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा तू क्या करेगा ये बता, तू इतनी नन्ही सी जान को कैसे पालेगा? जी छोटे बाबू को भी इतनी ही नन्ही सी जान से पाला था। मान लीजिए आज अगर उनका कोई लड़का होता तो। आह पालने के लिए बहुत बेचैन थे, हम उनकी तरह देखभाल न कर सकते माया, इसलिए आज उनके हाथ में सौंप दिया है। तो देख लेना तुम्हारी तमाम आशाएं
आरजुएं पूरी हो जाएंगी। तो न घबराओ माया, न घबराओ। दयाल, अरे दयाल, बस यही क्या कर? और तुम्हारा काम ही क्या है? जैसे कहीं का राजकुमार, उसके लिए घोड़ा तैयार हो रहा है। मैं कौन? कोई भी नहीं। मेरी आवाज सुनने की जरूरत ही क्या है? अगर तुमको इसी सब में लगे रहना है तो हमसे साफ साफ कह दो, हम किसी आश्रम में चले जाए, तुम लोग इस घर में रहो। अच्छा, हमको चूल्हे में झोंको, उस नन्हे सी जान को कुछ दूध दूध भी दिया। ये ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, इसीलिए पानी मिलाता है, वही दूध से पिलाते हो? पिला दो दो, बीमार पड़े मरे कहीं, इतना पाप बटोरों के रखने का ठिकाना भी ना मिले। जी इसीलिए तो झगड़ा कर रहा था। झगड़ा कर रहे? जी हाँ, ग्वाले तो सब ईमानदार होते हैं ना, पानी मिलाकर नहीं देंगे। अरे अच्छा दूध अगर पिलाना चाहो तो जाओ एक गाय लाओ। अगर इस अजाब को रखने के लिए घर में जगह हो सकती है तो गाय रखने की भी जगह हो सकती है। जा जा एक गाय ले आ। वो मेरे कमर में क्या करने गया? कौन है? ए, यहाँ क्या कर रहा है? भाग भाग बदमाशी। ओ चल 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 कमबख्त, चल। ये क्या, ये सब किसने गिराई है? मैंने। ओ शैतान, देखता हूँ सच बात बोलने का साहस तुझमे भी है। क्या चाहिए? घोड़ा। क्या? ओ राजकुमार, घोड़े पर चढ़ के दुनिया देख रहे? क्या भाई दादू सोमनाथ? कोई रोता है? ये लो घोड़ा, जाओ जाके खेलो। बहादुर तो नहीं बन गया, अभी अपनी रस में याद है। Thank you.
ये अमरनाथ ने तो शिवानी, अरे ओ शिवानी, अरे शिवानी जी, पिताजी क्या अमरनाथ आए? क्या काका जी आने को है? अरे हाँ, मगर अब तक तो आए नहीं। भगवान जाने कहाँ रहता है, क्या करता है। काका जी आपके आने में देर होने पर पिताजी घबरा रहे थे। चलो चलिए। पिताजी कौन अमरनाथ साहब जी? आप देर न करो, जल्दी से बैठ जाओ। पिताजी काका जी भी थके हुए आए हैं, कुछ खांसी तो लेने दीजिए। अरे बाबा यही ले आ, जा जा जल्दी से यही ले आ। अमरनाथ सोमनाथ से मिले थे? हाँ। बातचीत हुई थी? हाँ। वही दुखियों की सेवा के बारे में बातचीत हुई होगी। उसने क्या कहा? कहा कि मेरा सब काम संभाल ले। वो मारा जान बची, अब सोचना क्या है, अब दिन रात तुम होगे, हम होंगे और शतरंज होगी। चल चलो। हेलो बड़े बाबू, यहाँ जाओ, इधर आओ, इधर आओ बड़े बाबू, बड़े बाबू इधर आओ। देखिए ना, दयाल जी ने इलाज के शास्त्र का अपमान किया है। देखिए ना, बुढ़े के बदन में सुई चुभाकर वैद्यगिरी दिखाते हैं। विलायत के साथ साथ डिग्रियां पाए हुए डॉक्टर को तुम वैद्य कहते हो? ठहरो, मैं नौकरी पर जाने लगूं, जो जो इंजेक्शन की दवाएं तैयार करूंगा, सब पहले तुम ही को इंजेक्शन देकर आजमाऊंगा। इस घराने में किसी ने कभी किसी की नौकरी नहीं की सोमना। देखिए आजकल के लड़के जमींदारी की आड़ लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को बुरा समझते हैं। मैं इंडिया केमिकल को राय देकर बैक्टेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुलवा रहा हूँ, उसकी देखभाल मेरे सर है। और आपको 20,000 रुपए का शियाल लेना होगा। ये खून निकालने के गंदे कामों में मैं मदद करूँ? कोई बात नहीं, रुपया डूबेगा नहीं, सूद के साथ आपके संदूक में वापस आएगा। मैंने इतने दिनों में जो कुछ हासिल किया है उससे जरूर फायदा उठाऊंगा। चौधरी ऐसा कुछ तो जरूर करेगा जिस पर सारा हिंदुस्तान नाज करे। वो जो कुछ करने गया था उससे पता चलता है कि देश के वो बहुत काम आएगा, देश को उसकी बहुत जरूरत है। जरूरत जरूर जरूरत है, अब जरा जरूरत तुमने एक मोड़ा भी इधर उधर किया तो साथ ही साथ किस बात, देश को अच्छी तरह सुधार सकता है। अक्षय बाबू हम लोगों को चाहिए कि उसे देश की जरूरतें समझाएं, दिखाएं और उसे अपनी राह पर लगा लाने की कोशिश करें। कोशिश करो, जरूर कोशिश करो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इसके सिवा और कोई चाल न है और न हो सकती है। इंडिया केमिकल में काम करने लगे। ठीक ठीक काका जी, आपके इतने बड़े सोमनाथ हिंदुस्तान भर जिस पर घमंड करे उस सोमनाथ में नौकरी करनी, ना देश की सेवा ना कारोबार नौकरी। ठीक ठीक काका जी, ठीक 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 ठीक। दादी दीदी ने डॉक्टर सोमनाथ के बारे में कुछ शेर लिखे हैं। डॉक्टर सोमनाथ लंबा है दास हाथ, हाथ में सफाई है, यूरोप में सिखाई है, विलायत का पास है, रोटियों की आस है, ऊंट जैसा लंबा है, सबने जाना खंबा है, उसकी दुम में धागा, दुम दबा के भागा। तुम ठीक से जानती हो कि उसने नौकरी की है? ये देखिए डॉक्टर, अब तुम बड़े बुरे फंसे हो यार, बस यही तुम्हारा वारा न्यारा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अक्षय बाबू ये कभी नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है, ये किस्मत। नहीं नहीं। क्यों नहीं? ओ अच्छा, तुम उसे रोकने वाले कौन हो बताओ तो जी, वो तुम्हारा कौन है? एक होनहार लड़का जिसे तुम्हें कुछ हमदर्दी हो गई, बस यही तो, उससे ना तुम्हारा कोई रिश्ता और ना नाता। नहीं नहीं अक्षय बाबू, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, उसे इससे बहुत कुछ करना होगा। काका जी, डॉक्टर, काका जी, डॉक्टर।
देश को तुम्हारी जरूरत है, दूसरों के गुलामी तुम नहीं करने पाओगे। बट हु आर यू, आप कौन है? मैं देहात का एक डॉक्टर हूं। तुमसे कुछ बातें करना है, जरूरी बातें। आइए। हमारे इस हिंदुस्तान के बसने वाले बेचारे बहुत ही गरीब हैं, नादार हैं, मोहताज हैं। न पेट में दाना नसीब, न तन पर कपड़ा। और तुम एक बड़े आदमी के लड़के हो, नौजवान हो, विलायत के पास किए हुए डॉक्टर हो। अगर तुम इन लोगों की भलाई के लिए कोशिश नहीं करोगे तो मैंने आज तक देश की बुराई के लिए तो कोई काम नहीं किया। नहीं, बुराई के लिए तो कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके नतीजे से बुराई होती है। इंडिया केमिकल ने जो तुमसे बैक्टेरियोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट खुलवाया है कारोबार में नफा उठाने के लिए, हिंदुस्तान से बीमारियां दूर करने के लिए नहीं। और इसके लिए तो तुम विलायत गए नहीं थे? नहीं, ख्याल ये था कि ये सब विदेशी दवाएं देशी में बनाई जाएं। और कोई ख्याल न था? क्या तुमने कभी इस बात को सोचा कि कोई और ताकत भी है जो तुमसे और भी कुछ काम लेना चाहती है? ये तो मैं नहीं जानता। मैंने ये सोचा कि ये सब अगर तैयार कर सकूं तो हिंदुस्तान का बहुत पैसा दूसरों की जेबों में ना जाकर तुम लोगों की जेबों में आएगा। देखो, डॉक्टरी को कारोबार बनाना और बात है, और बिना किसी गरज के हिंदुस्तान भर के बीमार गरीब दुखियों की सेवा करना और बात है। देखिए, आपसे बेकार की बहस करने के लिए मेरे पास वक्त है। बेकार की बहस नहीं है सोमनाथ, ये बेकार की बहस नहीं है। पहले लोगों की सेवा ही करने के लिए हर डॉक्टर अपना काम शुरू करता है, लेकिन रुपये की हवा लगते ही सेवा का ख्याल दिमाग से निकल जाता है, और उस वक्त वो लालच में पड़कर दिन रात रुपये के फिक्र में लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सोमनाथ, तुम इस काम को छोड़ दो। ये नहीं, निकल दे कहीं के। आप क्या कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं? तुम्हें से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के गरीब दुखियों का खून चूस कर, उनके कलेजों को पैरों से मलकर घमंड करने वाले लुटेरों में क्या अपना भी नाम लिखवाना चाहते हो? अपने को देश का पैसा बचाने वाला, हिंदुस्तान की भलाई चाहने वाला केमिस्ट, बैक्टेरियोलॉजिस्ट, मैंने सत्य बताते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम लोग जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो। आप लोग अपने काम में जाइए। तुम हमारी बात का बुरा ना मानना बाबा। मान लो आज अगर तुम्हारे पिताजी आकर तुमसे इस तरह कहते तो क्या तुम उनका कहना टाल देती? उनके कहने पर क्या होता ये मैं नहीं जानता। ओह, तो मेरी बात नहीं मानोगे? जी नहीं। ओह, जरा ठहरिए। आखिर आप हैं कौन? मैं भी हिंदुस्तान के गरीब दुखियों में से एक हूं, और उनकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचाने आया था। सर, आज रहे। Thank you.
दीजिए, जाने को मना किया था ना, मेरी जीजी दे दीजिए ना, नहीं तो फिर जंग। एक काम कीजिएगा। क्या? नजर हिलाइए तो कोई बोले तो कहिएगा। दरवाजा खोलिए, मैं हूँ डॉक्टर सोमनाथ। तभी अगर कोई दरवाजा ना खोले? बोलेंगी, आओ जरा भारी बनाकर बोलिए। आइए आइए। मैं डॉक्टर सोमनाथ। तू हो साजी परमार, आवाज बदल के डॉक्टर सोमनाथ, वो कौन होगी? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर। जी डॉक्टर आए हैं। वो है चली, ऊपर जाइए। पिताजी आइए, इधर आइए। देखिए मैं डॉक्टर रे रॉय। डॉक्टर हार गए तो उन्होंने आपको भेजा है, आप भी आइए, शौक से तशरीफ लाइए। जी मेरा नाम है डॉक्टर सोमनाथ राय चौधरी। मैं आप भी हैं वो मशहूर डॉक्टर सोमनाथ, तो आप शतरंज बहुत अच्छी खेलते होंगे। मैं ये खेलना नहीं जानता। क्या कहा, शतरंज खेलना नहीं जानते? इतने बड़े डॉक्टर होकर शतरंज खेलना नहीं जानते? तो डॉक्टर राय ने आपको मेरे पास क्यों भेजा है, आप ही बताइए, वो मेरे पास क्यों भेजते? जी आइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरा नाश्ता? जी हाँ आइए। शर्माने की कोई बात नहीं है, जाओ नाश्ता करना ही होगा, जाओ जाओ जाओ। आइए। कुछ पूछिएगा क्या? नहीं पिताजी से आपका पीछा छुड़ा दे, खाइए। मैं खाने के लिए तो नहीं आया हूँ। इनकार है? जी नहीं। होता भी तो मानता कौन। अच्छा डॉक्टर ए राय आपके कौन है? पिताजी का दोस्त। हम कौन है? काकाजी कहते हैं। काकाजी दिन रात आपकी तारीफ क्या करते हैं? वो मेरी तारीफ करते हैं। वाह, उनकी सड़क से तो आप एक देवता हैं। गरीब दुखियों का बेरा पार लगाने के लिए स्वर्ग से अमृत लाए हैं। लेकिन अभी 2 ही घंटे पहले मुझे खुद गरज मतलबी जानवर और जानवर से भी बदतर कह कर आए हैं। ओहो, तो ये कहिए कि आपके बड़ी बड़ी तारीफें हैं, बहुत से नाम हैं। अच्छा कहाँ मिले थे? वो मेरी लेबोरेटरी में गए थे। अच्छा डॉक्टर राय के देहात के रहने वाले हैं? जी हाँ, हम लोगों के गांव में उनका एक सेवा सदन है जहाँ वो गरीब दुखियों की सेवा करते हैं। इसीलिए वो हिंदुस्तान का दुख इतने दर्द के साथ बयान करते हैं, जिसे सुनते ही मालूम होता है कि ये हिंदुस्तान की भलाई चाहने वाले बहुत बड़े हमदर्द बहुत बड़े। ठहरिए मुझसे बात आ गई। क्या हुआ? अब अच्छी तरह हिसाब रखना पड़ेगा कि कौन किससे ज्यादा तारीफ करता है। काका जी बैठो बैठो बेटा बैठो बैठो बैठो। इन बहुत बड़े सोमनाथ से आज मुझे भी दर्शन हो गए। शरीर का ही डॉक्टर सोमनाथ लंबा है, दांत हाथ हाथ में सफाई है, यूरोप में सिखाई है, विलायत का पास है, चोटियों की आस है, मूल जैसा लंबा है, सबने जाना संभव है, उसकी दुम में धागा दुम दबा के भागा। दीदी जरा इसे देख के बता दीजिए ये ठीक है कि नहीं। नहीं मैं नहीं बताऊंगी। मेरी दीदी देख दीजिए। नहीं तुमने डॉक्टर सोमनाथ के सामने ऐसी बदमाशी कहोगी? ओ अब आप तक उसकी बात को लिए हुए हैं। हाँ डॉक्टर सोमनाथ ने तो बुरा नहीं माना। जरूर बुरा माना, कभी नहीं।
अच्छा देखिए। हेलो हाउस 732 हेलो कौन? मैं हूँ जीजी का छोटा भाई। जीजी का छोटा भाई? जी हाँ, अक्षय बाबू के यहाँ से। समझ गया, कहिए। आप क्या हम लोगों से नाराज हो गए हैं? नहीं तो, नाराज क्यों होऊंगा? नहीं हुए ना, देखिए जीजी, डॉक्टर सोमनाथ नाराज नहीं हुए। अच्छा ये बात आप जीजी से कह दीजिए ना। अच्छी बात है, आइए आइए ना। नहीं, क्या हुआ? अच्छा रहने दीजिए, जब से नहीं मगर आप जरूर नाराज हो गए होंगे। टेलीफोन पर आपकी राह देखते रहे और आपने बात तक न की। नहीं की मेरी खुशी। मध बरसाए जुल से काली इन दालों की शपथ में लाली मध बरसाए जुल से काली छाई घटा घन घो जैसे छाई घटा घन घो सजनी बड़ी सुहानी हो बरसा जन बड़ी सुहानी हो
बराबर ही दुख के बाद सुख, अंधेरे के बाद उजाला, रंग के बाद खुशी हुआ करती। मुझे भी आज खुशी नसीब हुई। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। दादू भाई चलो खाना खा लो। चलो माफ कीजिए, रोज रोज तुम्हारे इन बुढ़े नौकरों के हाथ का खाना क्या किसी को अच्छा लग सकता है? आज भी अक्षय बाबू के घर से खाए। जरा ख्याल तो करो भला, वो सोने की चमकती हुई चूड़ियों वाले गोरे गोरे नर्म और नाजुक हाथ से दिया हुआ और उस पतले पतले नीचे होंठों से दिए हुए हुक्म के बाद कोई बदनसीबी होगा जो उसे मुंह मुड़े। दादू भाई उस अधर्मी डायन के यहाँ अब तुम ना जाना। अरे हाँ, तुम्हें ये खबर तो सुनाई नहीं। मैं नौकरी छोड़े देता हूँ। क्या कहते हो? तो ये कहो कि परमात्मा ने तुमको कुछ समझ दी। मगर ये समझ तुम्हारे परमात्मा ने आकर नहीं दी, एक भले आदमी ने दी। वो ब्राह्मण थे। क्यों, तो मैं प्रणाम कराऊं? ब्राह्मण है या नहीं ये नहीं जानता, मगर उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहिए। उनका नाम क्या है? डॉक्टर ए रॉय, कहीं किसी देहात में रहते हैं। वह एक अस्पताल खोला है, गरीब दुखियों की सेवा करते हैं। क्या नाम बताया डॉक्टर? क्या डॉक्टर ए रॉय? क्या, अरे हिंदुस्तानी में बता, सीधी सादी हिंदुस्तानी में। तब तो तुमने मुसीबत कर दी। लांबे हैं, दोहरा बदन, सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें। कोई शादी ठीक करना है क्या? जो पूछता हूँ उसका जवाब दे। अगर इतने भी बेचैन हो तो कल कारखाने में आके देख लो। मगर इतना कह देता हूँ कि उन भले आदमी के साथ वो घर में डायन भी आएगी, कहीं तुम्हें निकल रह जाए। अब तक तुमने कुछ खाया भी नहीं? खा आया हूँ। कहाँ से? अक्षय बाबू के मकान से। बड़े बाबू, कल दादू भाई के कारखाने में चलिए। मैं? जी हाँ बाबू, आपको चलना ही होगा। यहाँ धर्म का नाश है। क्या हुआ, सारा कारखाना गंगा जल से धुला दूंगा। अच्छा जा जा, सो जा, अब रात ज्यादा आई। जा जा, सो जा। हेलो, ये हाँ आता हूँ। आओ। काका जी कहाँ है? काका जी ऊपर है, चलो मैं लिए चलता हूँ। नहीं, मैं आप ही जाऊँ। जाने दीजिए, जाने दीजिए ना, आप भी रास्ता भूल जाएंगे। अच्छा चलो आता हूँ। काका जी, काका जी कहाँ हैं? तुम्हारे वो डॉक्टर कहाँ हैं? चलो लिए चलता हूँ। काका जी,
आप किसको ढूंढते हैं? डॉक्टर एरॉन। ओ, वो उस कमरे में है। बाबा का सामना नहीं कर सकता। मैंने उनसे हद किया, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। कौन डॉक्टर? अच्छी हाँ हाँ, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार था। ये क्या तुम आज बहुत घबराए हुए हो? क्या हुआ क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। जरूर कुछ हुआ है, तुम्हारी सूरत कह रही है। अक्षय बाबू, जिंदगी की शतरंज में अब तक मैं जितने मोहरे चला हूँ, हर एक सोच समझकर इंसाफ और धर्म के ख्याल से ठीक ही चला हूँ, मगर मोहब्बत के ख्याल से न जाने कौन सी चूक हो गई है, जिससे हर चाल और हर मोहरा उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। उल्टा पुल्टा? उल्टा पुल्टा कैसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ। बताओ तो डॉक्टर, ये हुआ क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अस्पताल तो मुझे जम से भी ज्यादा प्यारा है, कई दिन से उसकी कोई खबर नहीं। मैं जाता हूँ अक्षय बाबू, आप लोग वहां आइए और हो सके तो सोमनाथ को भी लेते आइए। मैं जाता हूँ। अच्छा, वही शतरंज होगी। क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, काका जी के अस्पताल में, तुम नहीं जाओगे? क्यों? पिताजी कह चुके हैं कि लिखना पढ़ना बंद करके तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, और हम भी यही चाहते हैं। मैं तो जाऊंगा। हाँ, एक और आदमी नहीं जाएगा। कौन? डॉक्टर सोमनाथ। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मालूम किया था, इस पर उन्होंने कहा कि आज इतवार को भी मुझे बहुत काम है। ओ, तो फिर दीदी आपसे भी जाने की अब क्या जरूरत है? और क्या कहता है दीदी? देखकर क्यों ये सब रखने की तकलीफ उठाई है? अच्छा है तो? अरे वाह, उसके तुमने भागा, तुमने मुझे भागा। हेलो, हाउस 732, डॉक्टर सोमनाथ हैं? हाँ, कहाँ गए हैं? लेबोरेटरी में? ओ, लेबोरेटरी। डॉक्टर सोमनाथ, छोटा सा ढेर हाथ में दवाए है, कहीं से चुराए है, आलू जैसी नाक है, तन से मली राख है। काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, छुट्टी के दिन काम है, काम ही से नाम है, जिसकी दुम में धागा तुम दबा के भगा। करती हो? काम कर रहे हैं? मुझे भी एक काम मिल रहा है, जब काका जी के यहाँ जाना ही नहीं है तो। क्यों, तुम्हारे पिताजी के जाना नहीं चाहते? काम कर रहे हैं। तब तो मुसीबत आ गई, मुझे अकेले ही जाना पड़ा। अच्छी बात है, तो
तो मैं पिताजी से कह दूं कि उन पर मुसीबत आ गई, वो नहीं जाएंगे। क्यों? मैं तो जाने को तैयार हूँ। पिताजी ने छतरंग सवाल लिया है। तुमने तो कहा कि काम कर रहे हैं। मैंने उनके लिए थोड़ी ही कहा था, वो तो किसी और ही के लिए कहा था। किसके लिए? बता दू उसके लिए जिसके तुमने धागा तुम दबा के भागा। पहले काम खत्म कर लो। पहले बचाओ की जगह ढूंढ लो। आईने से नए रुत की बहार आई रे, आईने से नए रुत की बहार आई रे, बगिया को मेरी ये खवार आई, बगिया को मेरी ये खवार आई रे, आईने से नए रुत की बहार आई रे, आईने से नए रुत की बहार आई रे, बिजली में बनी चम चम चमकी मत चम चम चमकी बिजली मदनी चम चम चमकी मत चम चम चमकी मुझे कभी मुझे बनी मुझे कभी मुझे बनी बुधिया नही रे आई रे नित नए रुत की बहार आई रे आई नित नए रुत की बहार आई रे फुलवारी में उड़ के फिर गुल गुल बन के सबके गाए गुन गुन दिल बनी गगया आँख कोई लुटाया आँख कोई लुटाया आपने जो आए मुझे वो थके आप ही वो थके कैसे मुझे पाएगा वो भला कैसे मुझे पाएगा वो भला मुझे मम्मी मेरी सबसे निकाल आई रे नित नए रुत की बहार आई रे आई नित नए रुत की बहार आई रे। देखिए आप तो काम काज को गाने बजाने पर निछावा कर देते हैं। अच्छा खरी आपके पिताजी ने आपको डॉक्टर से कहा कर बड़ी भूल वो आपके ग्रामोफोन मंगवा देते बस आप सारी दुनिया का काम भूल कर उसमें मगन रहा करते। अच्छा अच्छा सुनो 5 बजे स्टेशन जाना ना भूलना। और अगर आप भूले तो कान मल दूं। किसका बता दो बता दो किसके तुम धागा तुम दबा के भागा। शंभू क्या बात है भाई? इंजेक्शन की दवाई लेने आया हूँ। बानपुर के मेले में 3-4 आदमियों को हैजा हो गया है। ओ अभी फैला तो नहीं ना? तो फिर आपसे सीखा ही क्या? वाह ताज्जुब है, इन लोगों ने तो आपकी मान दिखाने से भी काम को बड़ा समझ लिया है। वो सब जानते हैं कि मैं उन्हीं में का एक हूँ, उनमें उस्तादी छाटने नहीं आया हूँ। सोमनाथ तुम इन लोगों की अंधेरी दुनिया को अपनी नई तालीम से बहुत कुछ रोशनी पहुंचा सकते हो। देखे दांत आप नहीं किया तब नहीं मिलेगा, हम अभी अभी दांत मन के आते। देखो दांत देखो शरीर कहीं की
दर्शन दुख बदरी में समक तारा मुझ को भी अपना सा बना दो, मुझ को भी अपना सा बना दो, साथ मेरे काम तुम्हारा मन बनाया काकी जी पर मुझे राज करता है। क्यों? वो मोहब्बत की कितनी बड़ी हकदार बन गई। काका जी रोजाना शाम को अपने हाथ से यहाँ दिया जलाया करते हैं, रात को अकेले में यहाँ आके बैठते हैं और इसे कितनी मोहब्बत से सजाते हैं, बातें करने लगते हैं और गाना गाते हैं। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम ही मेरी ऐसी ही यादगार तैयार करना शिवानी। हाँ तुम बनाना शिवानी। सोमनाथ तुम लोग यहाँ हो, आओ अंदर आकर बैठो। जी नहीं, यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। काका जी हम लोगों को यह जगह बहुत पसंद है। और काका जी कुछ काकी जी के बारे में भी बताइए। जी हाँ कुछ तो बयान कीजिए उनके बारे में। जी हाँ उनकी तारीफ नहीं हो सकती। मैंने जब अपना काम शुरू किया तो बहुत सी मुश्किलें सामने आई,
लेकिन उन्हीं ने हर तरह मेरी हिम्मत बढ़ाई। यूं तो हर एक स्त्री अपने स्वामी की भलाई चाहती है, लेकिन उन्होंने बड़े से बड़े काम में मेरी इतनी मदद की तो शायद मुझसे कभी ना हो सकता। उनकी तमन्ना यह थी कि उनका बच्चा इससे भी बढ़कर कुछ करे। उनका बच्चा कहाँ है? उनका बच्चा तुम लोग सभी तो उनके बच्चे हो। क्या उनको मेरी कोई बात बुरी मालूम हुई? नहीं, काकी जी का नाम आने पर उनका यही हाल हो जाता है। आज अपनी मेहनतों का मुझसे समरा मिल गया। आज अपनी मेहनतों का मुझको समरा मिल गया। जिसने कुछ खोया हुआ था मैं वो तहरा मिल गया। आज अपनी रह गया रह गया मिलने से क्या, जब चैन दिल का मिल गया। फूल के हार आ गया तो बाग तारा मिल गया। फूल के हार सूखे पत्ते झाड़ कर सर सब जो होते हैं सजर। जितना कुछ लुटता रहा उससे ज्यादा मिल गया। जितना कुछ लुटता दिल को आरज़ू दे तुम्हार। ये न पूछो क्या न पाया ये कहो क्या मिल गया। ये न पूछो क्या न पाया ये दाल जी। कौन? भाई दादू आओ आओ आओ। अरे आज ही बड़े बाबू ने रायधाम में नए कारखाने के लिए तमाम सामान भेज दिया है। अरे हाँ ठहरो, पहले एक बहुत बड़ी खबर तो सुना दूं। वो क्या? उसे अधर्मी डांजी से हमारा ब्याह होगा। यानी देहात जाएगी, दवाखाने में काम करेगी,
और दुनिया भर की गंदी दवाएं लाकर सब तुम्हें पिलाएगी। क्या सब ऑल फॉल बकता है? वाह, उसी के साथ तो घूमने गया था। दांत का पता ना घर आने का, उससे तू कैसे ब्याह करेगा? क्यों, तुम्हें तो पता है अधर्मी है। बकवास तो ना कर। बाबू 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 बाबू, आपसे बार बार मैं कहता हूँ कि भाई दादू का ब्याह कर दीजिए, आपको सुनते ही नहीं। अब देखिए, ये कहता है कि उसी अधर्मी जान से ब्याह करेगा। कौन है वो अधर्मी जान? कौन है? अक्षय बाबू की लड़की। उनकी जात मनुष्य? अधर्मी बताया ना, बताएगा कौन, ये भी हो सकता है। उनकी जात कुल वंश गोत्र ये सब कुछ जान लिया है? जी नहीं, मैं तो किसी की जात कुल वंश या गोत्र से ब्याह नहीं करूंगा। मैं ब्याह करूंगा एक लड़की से। ब्याह आदमी के सिर्फ सुख और आसानी के लिए नहीं है, उससे समाज को भी कुछ लगाव है। तुम्हारे चाचा वंश गोत्र जो कुछ भी हो, कुछ तो था। जरूर था और आज भी है, लेकिन अब इन सबको ताक पर रख देने की जरूरत है। बड़े बाबू चुप रहे। हेलो हेलो, जाए चूल्हे में जाए, जो चाहे करे। उसके नसीब में राय घर आने की दौलत से आश करना पता है, कर ले। मुझे भी क्या कुत्ते ने काटा था। अपने कलेजे के टुकड़े को घर से निकालकर अपने हाथों अपने घराने अपनी नस्ल के नाम को मिटा दिया। बड़े बाबू बस दुबराए, ये बार बार मना करता रहा कि ये बेकार की मुसीबत मोल ना ले। क्या जाने कौन है कौन नहीं, न जात का पता न घराने का। एक दो हरफ लिख कर गले में डाल दिए और साथ ही साथ तूने भी उसे ब्राह्मण मान लिया और रास्ते से लाकर मेरे सर मन दिया। अरे अगर असली ब्राह्मण का लड़का होता तो ऐसी बात मुझसे निकलता? मैं कौन हूं? तू जा भाई दादू, तू जा, मैं आपका लड़का नहीं हूं। सुन तो बेटा सुन तो, मैं आपका लड़का नहीं हूं। जिस तरह रहते हो रहो, मुझे रास्ते से उठा कर लाए थे। नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम यहां औलाद किसी मोहब्बत से पाले गए हो। आपने अपने दिल से अपने लड़के का गम हल्का करने के लिए मुझे पाला पोसा था, मेरे साथ क्या किया? मैं जानना चाहता हूं कि चार आदमियों से नजरें चार करने का काबिल मैं हूं या नहीं। मैं कौन हूं, किसका लड़का हूं, किस घराने का, किस नस्ल से हूं? क्या मेरी जिंदगी लोगों के नजरों में नफरत और घिन की जिंदगी है? मैं सड़कों की धूल और गलियों का कूड़ा करकट हूं? आपके ठुकराए हुए लड़के की ने भी मेरा मुंह नहीं। तब ये दया, ये करम, ये मोहब्बत दिखाकर मेरा सर्वनाश, मेरी बर्बादी क्यों की? किसने आपसे ये मेहरबानियां चाही थी? मुझे आप लोगों ने मरने ही क्यों ना दिया? भाई दादू भाई दादू भाई दादू, क्या भाई दादू भाई दादू भाई दादू, सुन दो बात तो सुन, बात तो सुन। बाबू बाबू, बड़े बाबू बड़े बाबू बाबू, उसे बुला लीजिए उसे बुला लीजिए, वो चला जा रहा है, घराने का नाम निशान मिट जाएगा। उसे बुलाइए बुलाइए उसे। तू अपना काम देख तैयार? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आपने किसे निकाल दिया? वो तो हम लोगों के नहीं 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 नहीं। बाबू बाबू, उसे बुलाइए बाबू। मुझे अकेला रहने दे बेटा। शिवानी शिवानी शिवानी, हेलो शिवानी, कहाँ है? क्यों? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। देखो सोमनाथ, मैं चाहता हूँ तुम अब शिवानी से न मिलो। हाँ, तुम्हारे खानदान के बारे में मैंने सब कुछ सुन लिया है, इन बातों को जाने दीजिए। मैं इसीलिए उससे विदा होने आया हूँ हमेशा के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अब उससे मिलो, क्योंकि
इस हमेशा की जुदाई से बहुत दुख पहुंचेगा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं रुखसत होते वक्त उसे एक नजर देख भी ना सकूं? हाँ। कौन कहता है कि हम लोग हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं? शिवानी, मोहब्बत का बदला तो मोहब्बत ही हुआ करती है और वो मुझे मिली भी है, इसलिए आप हम लोगों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। बचपना न करो शिवानी, माता पिता की इज्जत और सबसे कुछ ख्याल करो। सोमनाथ, तुम्हें इससे मिलने को मना किया था ना? तुम्हें बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अब तुम जरा ठहरिए, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि बिना सोचे समझे आप लोग कुछ ना कीजिएगा। हो सकता है कि हम लोग कुछ और समझ रहे हैं और हो कुछ और, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। हो सकता है कि इस अंधेरे में भी कोई राह निकल आए। निकल आएगी? हो सकता है। तुम लोग और थोड़ा इंतजार करो, और थोड़ा इंतजार करो, और थोड़ा इंतजार करो। अब तुम इनकार ना करो बेटा, मुझे इजाजत दो मैं सोमनाथ के पिता का नाम बता दूं। ये नहीं हो सकता दयाल, ये नहीं हो सकता, मेरा अहद टूट जाएगा। अहद टूट जाएगा? हाँ, पिताजी से रुखसत होते हुए मैंने अहद किया था कि माया को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इसके लिए चाहे दुनिया भर की मुसीबतें मुझ पर फट पड़े, और उन मुसीबतों को टालने के लिए मैं अपने को उस घराने का कभी न बताऊंगा। और दयाल, आज अगर तुम ये बता दो कि वो मेरा लड़का है तो इसका मतलब ये होगा कि वो राय घराने का लड़का है। नहीं नहीं दयाल, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं तो क्या तुम ये चाहते हो कि सोमनाथ की जिंदगी बर्बाद हो जाए? सोमनाथ सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, माया का भी है। माया के दिल में सोमनाथ के लिए कितनी उम्मीदें, कितनी आरजुएं थी। आज उसी सोमनाथ को तुम इस तरह बर्बाद होने दोगे तो क्या माया खुश होगी? कुछ ना सही, वो सोमनाथ की माँ तो थी। और फिर राय घराने का नाम निशान आज दुनिया से मिट चला है। इस घराने का आखिरी चिराग अब सिर्फ यही सोमनाथ है। इसे तो रोशन रहने दो, इससे माया को सुख होगा। अच्छा अच्छा, उसके माता पिता का नाम बता दो, लेकिन ये ना बताना कि वो अमरनाथ मैं हूँ और यहाँ हूँ। क्यों ना कहूँ? नहीं, और इस ब्याह में भी मैं न जाऊंगा। नहीं जाओगे? तुम्हारे सोमनाथ का ब्याह और तुम न देखोगे? ये नहीं हो सकता, तो फिर सब मिट जाए, सब बर्बाद हो जाए। अच्छा, मैं जाऊंगा, लेकिन छुपकर। छुपकर? हाँ, छुपकर, कोई न जान सके। अच्छा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। Yeah.
क्यों नहीं बता सका? क्या क्या आप ही मेरे लड़के के रूप में आकर? बाबा दयाल ए तुम कौन हो? मैं दयाल, ये कौन आया था? तुम कौन हो? क्या कहते हैं? मैं दयाल, ये कौन था? मैं जाता हूँ। मालूम बताइए कौन है? दयाल आप कौन हैं? तुम कौन हो बताओ? हाँ जरूर दयाल, कौन आया था? आप इस तरह? मैं जाऊँ। आप चले कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना है। नहीं नहीं, अब तुम नहीं जाने पाओगे। उस दिन मैं ना था जब तुम घर से निकल गए थे, लेकिन आज मेरे जीते जी तुम नहीं जा सकते। दयाल जी नहीं नहीं, दयाल जी नहीं नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी एक नहीं मान सकता। मैं तुम्हारे लिए इतनी अपनियों को दुख नहीं दे सकता। दयाल कौन आया था? दयाल जी मुझे जाने दो, मेरा सर्वनाश न करो। दयाल मुझे बाबा से किसने पुकारा? वो किसकी आवाज थी? देखिए कौन कौन समरना, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बाबा मैं जाता हूं, मुझे माया के पास जाना है। वो कहाँ है? जहां की थी। मुझे भूल हुई थी बेटा। बाबा मुझे माया की यादगार के पास जाना है। अमरनाथ दया, मुझे ऐसी यादगार के पास ले चल, मुझे ले चल, मुझे ले चल। महक रही फुलवारी हमारी, महक रही फुलवारी घूम रही है, दारी 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 दारी। महक रही फुलवारी हमारी, महक रही फुलवारी कैसी कैसी चली हवाए, फूल फल बिखराए। कैसी कैसी चली हवाए, फूल फल बिखराए। मन आशा का पेड़ सुखाया, दुख पर दुख पहुँचाए। मेरा बनता काम न बिगड़ा, मौत की थक के भारी। महक रही फुलवारी हमारी, दुख के बादल फिर फिर आए, बिगड़ा काम बनाया। जल जल में बरस बरस के गया, समा पलटाया। फिर से महकी, फिर से महकी, फिर से महकी, फिर से महकी। सूखी हुई हर प्यारी, महक रही फुलवारी हमारी, महक रही फुलवारी।